8 8 8, 8 अगस्त के बारे में आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुन रखा होगा अब तक, लेकिन आज ये वीडियो लेके आई हूँ आपको बताने कि एंजल नंबर 888 जो कि 8 अगस्त से रिलेटेड है, आपकी लाइफ को बदलने की कितनी क्षमता रखता है और क्या करना है कल के दिन ताकि आप बने सुपर मैनिफेस्टर और अपने ड्रीम्स और डिज़ायर को जल्द से जल्द पूरा कर ले। वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है और आज ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप 8 अगस्त 2024 को ढंग से इस्तेमाल करें अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। जनरली लोग 888 लायंस पोर्टल के हिसाब से बोलते हैं, बट ये वीडियो लायंस पोर्टल और एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, ये मैं एंजल नंबर पे बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ क्या करना है ताकि आप कल का दिन ढंग से इस्तेमाल कर सके और कौन सा संकेत देगा एंजल आपको जिससे पता चलेगा कि आपने जो भी काम किया है वो मैनिफेस्ट ज़रूर होके आने वाला है। तो सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि ये 888 जो है एंजल नंबर के हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस रखता है। तो 888 एंजल नंबर डिनोट करता है मैनिफेस्टेशन को। यही कारण है कि आप बहुत सारे एंजल नंबर देखते होंगे, लेकिन जब 888 की बारी आ रही है तो कल आपको कुछ चीज़ें करनी होगी ताकि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आए। एंजल नंबर जब 888 दिखता है तो ये एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ करो ताकि तुमने जो सोचा है, तुमने जो डिज़ायर की है वो मैनिफेस्ट होके आ सके। तो यहाँ पे कुछ करो का एक्शन से रिलेशन नहीं है, इसका है अलाइनमेंट से रिलेशन। तो अलाइनमेंट में आने के लिए कुछ करो ताकि तुम्हारी चीज़ें यूनिवर्सल वॉर्टेक्स से निकल के इस दुनिया में आ सके। तो कल जो है 8 अगस्त है, 8वां महीना है और 2024 होने के कारण 3रा 8 भी उसके अंदर लग गया है। इसके लिए एनर्जी साइंस एंजल नंबर के हिसाब से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले समझना होगा कि एंजल्स जो है वो बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी हैं। तो कल के दिन प्लीज़ बिचिंग मत कीजिएगा किसी की, गॉसिप मत कीजिएगा किसी की, गुस्सा मत कीजिएगा किसी की। कल पूरे दिन एक सात्विकता का माहौल बना के रखना है, हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, इन्जॉय करना है जितना करना है, ग्रैटिट्यूड देना है जितना देना है आप दे सकते हो। कल का दिन पूरे दिन आपको अलाइनमेंट में रहने की हर एक कोशिश करनी है। कल कोई गुस्सा भी हो रहा हो तो उसको माफ़ कर देना, कल को चिढ़ भी रहा हो तो नज़रअंदाज कर देना। एंजल हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, आप मानो नहीं मानो, एंजल आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और याद रख लीजिए, एंजल ये कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं बताया गया है, हर एक रिलीजन में एंजल का जिक्र है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवदूत के नाम से था, तो चाहे मुस्लिम में फरिश्तों के नाम से है, क्रिश्चियनिटी में तो एंजल है ही। तो कल 888 एंजल नंबर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, एंजल की हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते के साथ इंटेंशन बनानी है कि आपको इस आने वाले साल यानी इस 8 अगस्त से नेक्स्ट 8 अगस्त के बीच में क्या क्या अचीव करना है। तो आज ही सोच लेना आप लोग कि क्या क्या आपको सुबह उठ के लिस्ट बना के इंटेंशन बनानी है और इंटेंशन किस तरीके से बनानी है, दैट इट्स ऑलरेडी डन। सुबह उठना है और एंजल को याद करते हुए, जो 888 का नंबर है उसको याद करते हुए बोलना है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है। और क्या मैनिफेस्ट हो गया है उस वक्त अपने दिमाग में देखना, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड देते हुए कि एंजल ने आपकी हेल्प की और आपने ये मैनिफेस्ट कर दिया आँख खोलते के साथ। और पूरे दिन जोश में रहना है, पूरे दिन ग्रैटिट्यूड में रहना है, पूरे दिन आप चाहो तो सेल्फ टॉक कर सकते हो अपने अंदर कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट इट इज़ मैनिफेस्टेड फाइनली। अगर आपके पास समय है तो एक पेन पेपर लेके 88 टाइम्स आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दिस इज़ मैनिफेस्टेड लिख सकते हो तो लिख लेना, बहुत हेल्प करेगा। अगर समय का अभाव है तो दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ, और ये ऑप्शन आप के पास अगर समय है तो ये आप भी कर सकते हो। एंजल को लेटर लिखना है, डियर एंजल, और ऊपर में 888 लिख देना, डियर एंजल आज मैं आपको बहुत थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि आपने मेरी इस परफेक्ट ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में इतनी हेल्प की है। और पूरे ड्रीम को लिखना कैसे मैनिफेस्ट हो, और एंजल ने कैसे कैसे आपके लिए बंद रास्ते खोल दिए, असंभव लग रहा था लेकिन एंजल ने उसको संभव कर दिया,
एंड उसको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड देना, फिर उस लेटर को मोड़ के किसी पोस्ट ऑफिस में छोड़ देना अगर छोड़ सकते हो तो, या फिर किसी पानी में बहा देना। ये मैसेज एंजल तक पहुंच जाएगा। रात को सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करना आप, अगर दिन में समय नहीं मिले तो, और मेडिटेशन के एंड में विजुलाइजेशन करना उस फीलिंग को क्रिएट करते हुए कि इस एंजल ने तो मज़ेदार काम कर दिया है मेरे लिए, मेरी लाइफ बदल दी है। एंजल को ग्रैटिट्यूड देना, बिकॉज जो एंजल्स हैं वो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं जो हमसे बहुत पहले इस दुनिया से ट्रांजिशन ले चुके होते हैं, और वो ऊपर वाले के बहुत करीब होते हैं। उनकी इतनी प्योर पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो हमारा काम बहुत जल्दी करके दे देते हैं, हमारी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं, हमारा रेजिस्टेंस सबसाइड कर देते हैं, हमारे लिए पाथ खोल देते हैं, और बहुत सारे तरीकों से वो हमारे पास संकेत भेजते हैं। तो अगर पूरे दिन में आपको संकेत मिलेगा, कहीं पे 8 नंबर दिखा हुआ, कहीं पे 88 लिखा हुआ, या फिर 888 ही दिख जाए, तो समझ लीजिए आपकी तो बिल्कुल इस साल लॉटरी लग जाएगी, ऐसा समझ लो आप। जो विश की हो वो पूरी होनी है। तो कल के दिन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कल 888 है और एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये नंबर है मैनिफेस्टेशन का। यानी एंजल्स आपको सबूत देते हैं कि जो आपकी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगी, और 888 जब दिखता है तो मैनिफेस्टेशन होनी होती है, बस एक छोटा सा एक्शन करना होता है। और यही रीज़न है कि कल मैं आपको बोल रही हूँ कि एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन ट्रिक कर दीजिएगा, चाहे वो अफर्मेशन सुन के हो, या फिर अफर्मेशन लिख के हो, या फिर एंजल को लेटर राइटिंग लिख के हो, मेडिटेशन करने से हो, विजुलाइजेशन करना हो, या सुबह उठ के इंटेंशन बनानी हो, या फिर सेल्फ टॉक करनी हो पूरे दिन पॉजिटिव वाली। लेकिन अलाइनमेंट इज मस्ट, बिकॉज प्योर पॉजिटिव एनर्जी, आप जब खुश रहते हो तो आपसे ज़्यादा वो खुश रहती है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में जल्द पहुंचने में आपकी मंजिल तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, और उनको भी भेजिए जिनको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।